नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। मेटा कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपनी मासिक रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुल 2.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपनी मासिक रिपोर्ट में मेटा ने खुलासा किया कि कंपनी ने फेसबुक पर 2.5 करोड़ पोस्ट और इंस्टाग्राम पर 20 लाख पोस्ट को हटा दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया कंपनी हर महीने इसकी रिपोर्ट जारी करती है, कार्रवाइयों पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करती है। मेटा की नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने फेसबुक पर स्पैम के 1.73 करोड़ पोस्ट हटाए, स्पैम पर की गई कार्रवाई के अलावा अभद्र भाषा से संबंधित 1.1 लाख पोस्ट, जबकि 23 लाख पोस्ट ऐसे थे जो हिंसक थे, यानी इनसे हिंसा फैल सकती थी, जबकि 27 लाख न्यूड पोस्ट को डिलीट किया गया। कंपनी का कहना है कि इंस्टाग्राम पर 9 लाख से अधिक पोस्ट आत्महत्या और आत्मचोट से संबंधित थे, जबकि 22,000 से अधिक अभद्र भाषा और न्यूड पोस्ट से संबंधित 3.7 लाख पोस्ट, फोटो और वीडियो हटा दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आईटी नियमों के तहत अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी किसी यूजर का पोस्ट हटाती है तो उसे उपयोगकर्ता को इसका जवाब देना होता है। इस पर कंपनी ने कहा कि उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उपयोगकर्ताओं से 626 और 1,033 रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसने सभी उपयोगकर्ताओं रिपोर्टों को जवाब भी दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कंपनियां आपके पोस्ट को क्यों डिलीट कर देती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बहुत जल्दी वायरल होते हैं, जिससे हिंसा फैलने का डर होता है और कई बार तो झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस पोस्ट को डिलीट करने के पीछे सरकार के आईटी नियम भी हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई हिंसक पोस्ट है तो उसे कंपनी डिलीट करेगी, हालांकि उसकी जानकारी सरकार को भी देनी होगी। यही नहीं, उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया है इसकी जानकारी भी कंपनियों को सरकार को देनी होती है। आईटी नियमों के मुताबिक यूजर के सम्मान, खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में अगर किसी आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कंटेंट को हटाना होगा। यानी अगर किसी के सम्मान की बात है या आपने उसकी जानकारी के बिना कोई पोस्ट किया है तो उसे कंपनी हटा देगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।